आर वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस में जिशान आजमी। पहले नीट की परीक्षा पर घमासान छिड़ा हुआ था और अब UGC नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार को जबरदस्त घेर लिया है। नीट और UGC नेट परीक्षा में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के खिलाफ गुरुवार 20 जून को इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और इस्तीफे की मांग की और नारे लगाए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। वहां पर कार्यकर्ताओं ने एक गोनी भरकर 500 की नोट भी लाए थे और जहां उन्होंने पैसा उड़ाते हुए कहा, शिक्षा मंत्री को संबोधित किया और कहा कि पैसा ले लो लेकिन देश के छात्रों को न्याय दो। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को UGC नेट परीक्षा में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, सभी शिक्षण संस्थानों को भाजपा के लोगों ने कैप्चर कर रखा है, जब तक इन्हें मुक्त नहीं कराया जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को और इस तरह घेरा और कहा कि पीएम मोदी पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मेहनती छात्रों के साथ धोखा हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है। नीट और UGC नेट पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल हम सांसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। नीट पेपर और UGC नेट पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, इसराइल और गाजा की लड़ाई भी नरेंद्र मोदी ने रोक दिया था, लेकिन किसी न किसी कारण में हिंदुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे हैं या फिर रोकना नहीं चाहते हैं। इसी तरह राहुल गांधी ने पेपर लीक पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि संसद में पेपर लीक का मुद्दा जरूर उठाएंगे और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर भी हम आवाज उठाएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी UGC नेट परीक्षा रद्द करने और नीट मुद्दे पर ANI को इंटरव्यू देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के युवाओं को निराश किया है, नीट परीक्षा से 24 लाख लोग निराश हुए हैं, नेट परीक्षा के जरिए 9 लाख छात्रों के साथ विश्वासघात हुआ है, फिर भी प्रधानमंत्री चुप रहना पसंद करते हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस उन्हें जाने नहीं देंगे। कल कांग्रेस पार्टी इस मामले पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी, राहुल गांधी सदन में नीट छात्रों का मामला उठाएंगे। ये ANI को इंटरव्यू देते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा था। आपकी इस वीडियो पर क्या राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सबको मालूम है
कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इसराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था, मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की, यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज फेल्ड द यूथ ऑफ इंडिया। फर्स्ट विद द नीट एग्जाम 24 लाख स्टूडेंट्स हैव बीन डिसअपॉइंटेड एंड नाउ थ्रू द नेट एग्जाम 9 लाख स्टूडेंट्स हैव बीन बिट्रेड, येट द प्राइम मिनिस्टर चूजेस टू बी साइलेंट। I do not understand why this government is adopting two different positions. On NET exam, they are willing to cancel and reschedule. Why can't they do the same with NEET? On NET exam, they feel that a paper leak has occurred. Why on the matter of NEET is the education minister giving a clean chit to the NTA? Clearly, this government is trying to bury the issue. Rahul Gandhi and Congress Party will not let them go away. Tomorrow, across the length and breadth of this country, Congress Party will be on the streets protesting on this matter. And inside the parliament, Rahul Gandhiji will be raising the matter of NEET students inside the house.